बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजाद, सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुशामदी। प्यारे बच्चों, हम पढ़े हैं हरूफ तहजी और आज हम पढ़ेंगे ज़े। ज़ की आवाज़ पहले सीखेंगे, फिर उसका नाम सीखेंगे, उसकी शक्ल की पहचान करते हुए हम ज़े को लिखना भी सीखेंगे। तो चले आए चलते हैं आज के सबक की तरफ। और सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी जो कि एक बहुत ही प्यारे बच्चे की है, जिसका नाम है ज़ुबैर। ज़ुबैर बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, अपनी अम्मी अबू का बहुत कहना मानता था। ज़ुबैर सख्त सर्दियों में उसने एक दफ़ा कहा कि अम्मी अबू, मुझे चिड़ियाघर जाना है। अम्मी अबू ने कहा कि इतनी सख्त सर्दी है तो हम जैकेट्स पहन लेते हैं। उन सब ने जैकेट्स पहनी और ज़ुबैर ने अपनी ज़िप जो है वो बहुत आसानी से बंद कर ली। तो उसकी अम्मी अबू बहुत खुश हुए कि ज़ुबैर को ज़िप बंद करना आता है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उसकी हौसला अफजाई की और फिर वो सब आराम आराम से चले गए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर थे, बहुत से परिंदे भी थे, बहुत सी चीज़ें लगी हुई थी, खाने पीने की झूले भी थे। तो ज़ुबैर ने अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू, वो जो बड़ी लंबी गर्दन वाला जानवर है वो कौन है? तो उसके अब्बू ने कहा, इसको ज़राफ़ कहते हैं। ये ज़राफ़ा है, इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। और उसने कहा कि ये एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है, जिसके ऊपर सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं। अब्बा जान, ये कौन सा जानवर है? तो अब्बा जान ने बताया, ये ज़ेब्रा है और ये बिल्कुल घोड़े जैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ होती हैं। ज़ुबैर ने कहा, मुझे तो इन जानवरों का पहले पता ही नहीं था, मैंने आज चिड़ियाघर में आके दो नए जानवरों के बारे में जाना है। अब्बा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। तो शाम का वक्त हो चुका था, अम्मी अब्बू और ज़ुबैर वापस घर लौट आए और आकर ज़ुबैर ने अपने दोस्तों को भी इन जानवरों के बारे में बताया। थी ना मज़े की कहानी? क्या आप लोगों को ज़राफ़ के बारे में पता था? नहीं ना, मैंने बताया आपको, ज़ुबैर के अब्बा जान ने बताया। क्या आपको पता था कि एक ज़ेब्रा जो होता है उसके ऊपर सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ होती हैं? नहीं पता था ना? देख लें, आपकी किताब आपको बहुत कुछ बता रही है। अब मुझे किताब पर देख के बताओ, ज़राफ़ा कौन सा है और ज़ेब्रा कौन सा है? वेरी गुड, आप लोग तो बहुत समझदार हो। ज़रा साथ में मिलके पढ़ते हैं। ये ऊपर किसकी तस्वीर बनी हुई है? ज़िप। हाँ, ये ज़िप है। और ये कौन है? ये ज़राफ़ा है। और ये कौन है? ये ज़ेब्रा है। तो हमने आज इतने प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में सीखा है, तो इनकी ज़रा आवाज़ को देख लेते हैं कि इनकी पहली आवाज़ क्या आ रही है। ज़िप, ज़ेब्रा, ज़राफ़। ज़े की आवाज़ क्या है? ज़े की आवाज़ क्या है? ज़े की आवाज़ क्या है? ज़। वेरी गुड, ज़रा इसकी शक्ल तो देखें। हाँ, मिलती जुलती है रे और अड़े से, लेकिन इसके सर के ऊपर तो एक नुक्ता है, इस नुक्ते की वजह से इसको कहते हैं ज़े। तो आए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। बोर्ड के ऊपर ये मैंने लगाया एक नुक्ता, ऊपर से नीचे सीधी लाइन और यहाँ से हल्की सी तिरछी लाइन लगा दी। आप इसके सर के ऊपर अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज़े। ज़े की आवाज़ क्या है? ज़। दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे हल्की सी तिरछी लाइन और सर के ऊपर एक नुक्ता। वेरी गुड, ये रे के खानदान का एक फर्द है। जैसे रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, रे के ऊपर हमने टोपी लगा दी और ज़े के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। ये तो आपको लिखना आता ही होगा, लेकिन छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको लिखते हैं हवा में ऐसे ज़े, यहाँ पे भी लिखते हैं ज़े। अब हम टेबल पे लिखेंगे ज़े। आज हमने ज़े की आवाज़, फिर उसका नाम, उसकी शक्ल और उसको लिखना सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
Thank you.